हरे कृष्ण चैप्टर फर्स्ट के लास्ट कुछ वर्सेस में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सती के बारे में, शिव जी के बारे में। अभी तक तो वंशावली सब बता रहे थे प्रभुपाद, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में, जो हम चैप्टर सेकंड पे जाएंगे, वहाँ पे स्पेशली जो दक्ष द्वारा शिव जी के प्रति अपराध किया गया था, है ना, और उस अपराध को न सह कर पाने और उस की वजह से सती माता को अपने शरीर से त्याग करना पड़े। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो मिलेगा। फिर भी यहाँ पे जब प्रभुपाद ने जो शॉर्ट में बताया है सती का देह परित्याग, उसको हम समझते हैं आखिर क्यों हुआ ऐसा। ऑल्दो अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। तो शिव जी, लॉर्ड शिवा, शिव शब्द का मतलब ये ऑस्पिशियस एंड ऑल ऑस्पिशियस, करेक्ट, और एक नाम आशुतोष भी है, जो कि ऑलवेज हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, राइट। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग शिव जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होके उनको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं। शिव जी का एक नाम आपने सुना भी होगा, भूतनाथ, राइट। शिव जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिव जी ने लेके रखी, जो घोष होते हैं लॉर्ड ऑफ भूता भूतनाथ, उनको भी शिव जी प्रचार करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य, कोई यदि शिव जी का अच्छे से उपासना करेगा, पूजा करेगा, तो श्योरली एक दिन वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आ जाएगा। ऑल दो बहुत ही घोष वगैरह ऐसे योनि है जो कि बहुत ही डल हेडेड आ जाए, उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा धीरे धीरे उस पोजिशन पे आ जाते हैं, साक्षात्कार पे कि आई एम नॉट दिस बॉडी। और यदि उसी तरह पूरे निष्ठ भाव से आगे भी शिव जी की उपासना करते रहते तो उनके आशीर्वाद से तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी प्रैक्टिस करने लगते। इसलिए शिव जी का एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, शिव जी स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इन क्रिएशन, सभी के स्पिरिचुअल मास्टर शिव प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य, क्योंकि वो तो करते ही है प्रीचिंग हर जगह। अब वो सेक्शन स्पेशली जो होस्ट डल हेडेड लोग हैं उनको भी शिव जी अपना शरण दे के रखते। अभी आगे यहाँ पे जो बात आती है सती, जो दक्ष की सबसे छोटी पुत्री और बहुत डियर थी हर किसी को, आपने भी देखा होगा कि घर परिवार में जो छोटा बेटा होता है, बेटी होती है, बहुत डियर होते हैं, राइट। बट ऐसा क्या हुआ कि दक्ष अपनी बेटी से ही इतना ईर्ष्या भाव रखते हुए रखने लगा, और परिस्थिति यहाँ तक हो गई कि फाइनली माता सती को अपना देह परित्याग करना पड़ा। तो एक समय की बात है जब बड़े बड़े ऋषि, ग्रेट, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जैसे मरीचि ऋषि थे, वशिष्ठ जी थे, और दक्ष स्वयं तो बहुत बड़ा एक अनुष्ठान कर रहे थे, उसमें सभी बड़े बड़े देवी देवता पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंद्र चंद्र वरुण सब थे, और जो डेवी गॉड्स के चीफ हैं लॉर्ड ब्रह्मा शिव जी वो भी वहां पे उपस्थित थे, राइट। ये सब एकत्रित हुए थे उस अनुष्ठान के लिए, और इसी बीच जब दक्ष प्रजापति वगैरह, ऑल्दो जिन्होंने पूरा क्रिएशन में जीवो इतने सारे संतान उत्पन्न करके संसार को आगे बढ़ाना, दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्होंने ये किया था, जब वो वहां पे प्रवेश करते हैं उस सभा में, मंडप में जहाँ पे ये अनुष्ठान चल रहा था, तो सभी वहां पे ऋषि मुनि, डेमी गॉड्स, इवन लॉर्ड ब्रह्मा, सबने उनको उठकर रिस्पेक्ट दिया, राइट। बट शिव जी वहां पे थे, ही वॉज इन मेडिटेशन, राइट, तो उन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया और वो अपनी सीट पे ही बैठे थे।
जब दक्ष ने इस बात को देखा कि सबने मुझे सम्मान दे लेकिन शिव जी ने नहीं, ही वॉज वेरी इनिमिकल टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा। एक्चुअली उनके अंदर द्वेष पहले से ही था शिव जी को लेकर, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वे और ज्यादा द्वेषी हो गए क्रोधित हो गए और उन्होंने भरी सभा में शिव जी की निंदा की, आलोचना की और बहुत कुछ कहा। डिटेल हम आगे देखें। ऑल्दो दक्ष प्रजापति शिव जी से पहले से ईर्ष्या करते थे बिकॉज वो उनके वेशभूषा को देखकर है ना, भूतों के साथ उनका बैठना है ना, बॉडली उनका इतना कुछ है नहीं, सिर पे बहुत राख वगैरह लगाए हुए है ना, और ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से किया, सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने। तो दक्ष जो कि इतने बड़े राजा की पुत्री है और उनके पति अगर ऐसे रहे तो स्वाभाविक सा क्रोध आना है, लेकिन दक्ष प्रजापति को शिव जी का असली पोजीशन क्या नहीं पता था, वो इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं। भगवान शिव हैं जो भगवान कई जगह संबोधित हुआ है, शिव जी हैं जो कि स्पॉटलेस, मतलब उनमें ऐसा कोई स्पॉट नहीं फॉल्ट का, और ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कि शिव जी से दोष करे। आप देखे होगा आपने पहले भी, इवन पहले के बड़े बड़े राक्षस भी आप देख लीजिए, कंस रावण सब शिव जी के भक्त थे, शिव जी ने मर्सीफुल है कृपा करते हैं ये सब भी इनके भक्त, लेकिन शिव जी की कृपा देखते कि इन सबको फाइनली भगवान का आशीर्वाद मिला और वो सब वापस भगवान के धाम को गए। तो शिव जी जो थे कि उनमें कोई भी दोष नहीं है, दोष युक्त है पूर्ण, लेकिन ईर्ष्यावश दक्ष प्रजापति उन पे दोष देखते हैं, उन्हें दोष देते हैं, और ये दोष पे देखते हैं और बहुत कुछ उनके बारे में बोलते हैं, और एक बहुत लंबा वार्तालाप है जो आप आगे डिटेल में पढ़ें। और इसके बाद फिर जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं नंदी गण और जो भी थे वो भी क्रोधित हो गए कि हमारे मालिक के प्रति ऐसा बोला जा रहा है। तो बहुत काउंटर आर्गूमेंट भी हुए डेमोगॉड्स की तरफ से यहाँ से, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। एंड एक बार पुनः जब दक्ष प्रजापति ने ये इंसिडेंट जो मैंने बताया ये था जहाँ से दक्ष बहुत ज्यादा इच्छालु हो चुका था भगवान शिव के प्रति, और यही रीजन था कि वो अपनी बेटी जो इतना स्नेह करती थी अपने पिता से, और दक्ष जी भी अपनी बेटी से इतना स्नेह करते थे, वो भी ईर्ष्या का शिकार हो गई। एक बार फिर बाद में जब दक्ष प्रजापति ने एक अनुष्ठान किया जिसमें उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया, तो माता सती शिव जी से बोलती हैं कि हमें भी चलना चाहिए वहां पे। सती इसलिए बोले बिकॉज एक बेटी का स्वाभाविक है कि उनके घर के बाकी मेंबर्स भी आएंगे, उनकी मदर आ रही है और सिस्टर्स आ रही हैं, तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो जाके मिल भी सकेंगे अपने रिलेटिव से और अनुष्ठान में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ऑल दो दक्ष ने इन्विटेशन नहीं दिया, उन्होंने शिव जी के सामने ये प्रपोजल रखा। शिव जी जानते थे कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, कुछ ऐसे अनहोनी हो सकती, बट स्टिल माता का एक स्वभाव होता है घर वालों से मिलना जो भी, तो उस भाव में थी वो, इसलिए वो शिव जी के मना करने पे भी वो नहीं गया, मतलब अपने शिव जी ने समझाया भी कि ऑल दो पहले भी ऐसा हुआ तो हमारा जाना उचित नहीं, लेकिन अपने परिजनों से मिलने की लालसा की वजह से माता सती जाने को तैयार हो गई। और जब माता सती गई तो साथ में शिव जी के जो और सब नंदीगण वगैरह उनके साथ गए उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो जब वो उस जगह प्रवेश करते हैं जहाँ पे उनके सारे रिलेटिव थे और जहाँ पे वन अनुष्ठान यज्ञ हो रहा था, तो उनके सिस्टर्स ने और माता ने सती के देखा कि उनकी पुत्री आई है, तो बहुत अच्छे से वेलकम किया है ना, रिस्पेक्टफुली बातें और बहुत अच्छा जेस्चर वेलकम सब अच्छे से किया, क्योंकि बेटी है माँ की तो करेंगे, और सिस्टर्स भी उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया। बट एज अ पिता जो कि सबसे छोटी बेटी बहुत डियर, उन्होंने भी किसी तरह का वहाँ पर टेंशन नहीं, राइट। और पति माता इस चीज से बहुत बुरा लगा, चलो ये भी ठीक है उन्होंने कहा, लेकिन बाद में उनके पति शिव जी के प्रति उनका जो ऑफेंसिव एटीट्यूड था उससे लेकर और भी नाराज थे, और इसमें उन्होंने समझाया भी उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शिव जी जो इतने महान हैं
अलग अलग ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताया, बट स्टिल दक्ष मानने को तैयार नहीं थे और उन्हें कई आर्गुमेंट किए थे पहले भी शिव जी को लेकर। तो सती का देह त्यागने के पीछे था कि वैष्णव की निंदा जो हो रही थी। प्रोपार लिखते हैं कि जहाँ भी वैष्णव की निंदा हो, यदि कोई ब्राह्मण है उसे या तो क्लेश छोड़ देना चाहिए या फिर अपने कान बंद कर लेने चाहिए, और यदि क्षत्रिय है वो ब्राह्मण अपने आप को मारने से, अब खुद की खुद को, वैसे तो यहाँ तक आ गया, या तो जगह छोड़ दो है ना, या तो उस व्यक्ति को मार दो या फिर आप खुद मर जाओ, राइट। और ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज ब्राह्मण अगर खुद की हत्या करता है तो उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा जिसके जिम्मेदार वो खुद है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप कोई ब्राह्मण है वो ऐसी जगह पे है तो उसे वो जगह छोड़ देना चाहिए बेस्ट है, या फिर उसे सुनना नहीं चाहिए, कान में डालना चाहिए। सेकेंड, अगर कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय में पावर होता है तो उसकी जीभ काट सकते हैं, जीवा। और यदि कोई शूद्र है, लेबर क्लास, तो उसे अपना शरीर त्याग देना चाहिए। और माता सती अपने आप को उसी कैटेगरी में समझते हुए, उन्होंने किसी महान वैष्णव का अपराध सुना है और इट वॉज वेरी रिग्रेट, कि दुखी थी कि मैं ऐसे पिता की पुत्री, ये सब आकर उन्होंने अपने आप को योग सिद्धि से अपने प्रज्वलित कर माता सती, सती वर्ड थे मतलब चेस्ट, चेस्ट वुमेन, राइट। जब भी चेस्ट वुमेन की बात आती थी माता सती का नाम आता है। वैसे करके शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था जहाँ पे हम देख पाए कि कैसे माता सती का देह परित्याग हुआ, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जब भी व्यक्ति कोई वैष्णव अपराध करता है ना, तो उसके ऊपर मोड ऑफ पैशन प्लस एंगर बढ़ जाता है, राइट। जैसे वैष्णव अपराध हमसे होते हैं, मोड समाज में पे बहुत हावी हो जाता है, स्पेशली मोड ऑफ पैशन एंगर प्लस, इस वजह से नेचुरली है कि हम अपराध और ज्यादा करते रहेंगे और एक समय के बाद हम से दूर हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं वैष्णव अपराध कैसा है, एक पागल हाथी जैसा है। आप सुना भी होगा पहले, आप सोचिए तो हाथी इतना बड़ा, इतना विशाल शरीर, यदि वो पागल हो जाए तो क्या नहीं कर देगी। तो जो हमारी भक्ति की कथा है, जिस खेत में भक्ति की लता हमारी लगी है, वो पागल हाथी पूरी लता को नष्ट कर दे, हमारी भक्ति खतरे में पड़ जाएगी, हमारी भक्ति सूख जाएगी, तो वो जड़ से उखड़ जाती है। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति, बिकॉज वो अपने खुद के पोस्ट पोजीशन से, ही वॉज बॉडली कॉन्शियस है ना, कि दक्ष हूँ मैं, दक्ष राजा, दक्ष प्रजापति मेरा नाम, तो खुद के बॉडली पोजीशन से, ऑपुलेंस से कथा बहुत, इस वजह से वो इतना अहंकार में, इतना मान में थे कि वो शिव जी कौन है ये भी भूल गए थे, है ना। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, आप जानते नहीं शिव जी कौन है। इसलिए अपने अहंकार वश, अपने पोस्ट पोजीशन के वश में आके उन्होंने उस चीज को कंसिडर न करते भरी सभा में शिव जी के प्रति अपराध किया, निंदा किया, उनकी बुराई। इसके बीच फिर डेमी गॉड्स और शिव जी के जो अनुचर थे, जो उनके नंदी और उनके सेनापति फॉलोवर्स थे, के बीच बहुत क्रॉस आर्गुमेंट हुए और बहुत कुछ फाइट हुई अल्टीमेटली। बट इस पूरे सीन में जहाँ पे शिव जी की खुली निंदा हो रही थी, शिव जी ने एक शब्द नहीं बोला, केवल सुनते रहे। तब भी नहीं बोला जब उनके खुद के सैनिक नंदी और जो भी उनके फॉलोअर्स, उन्होंने काउंटर आर्गुमेंट स्टार्ट किया, राइट। शिव जी देख पा रहे हैं क्या, क्योंकि वो सबका भला करते, शुभ करते हैं। शिव जी तो ऐसा सबके लिए पिता समान, कभी एक पिता अपने बच्चे के गुस्से पे उसको पनिश नहीं करता, शिव जी का वो भाव था। शिव जी देख पा रहे हैं कैसे ये मोड्स के प्रभाव में आके ये लोग ड्यू टू इग्नोरेंस, ड्यू टू बॉडली कॉन्शियसनेस, ये सब एक दूसरे पे काउंटर आर्गूमेंट कर रहे हैं। और शिव जी ने बहुत ही साइलेंटली उस प्लेस को वहां से छोड़ दिया, बिना कुछ बोले, बिना किसी को कुछ कहे। और जब शिव जी को पता चला कि
माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। ही वॉज वेरी अपसेट ऑल्सो एज वेल एज वेरी एंग्री। अरे एंड फिर शिव जी ने अपनी जटा से एक राक्षस उत्पन्न किया, तो जो बहुत डरावना था देखने। और वो राक्षस ने जाके फिर फाइनली वहां पे जाके डेमी गॉड्स और सब मतलब एज अ पनिश किया, इज नॉट अ किंग को मारा, पनिश किया। तो पूरे सिनेरियो में यही समझने की बात है और बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि दर्शन ऑफ प्रार स्पेशली हर जगह बोला जाता है। ऑल्दो इतना इजी भी नहीं है, बट वी शुड ऑलवेज केयरफुल, राइट? वी शुड ऑलवेज केयरफुल। वैष्णव प्रात ऐसा है कि आपने जितनी भी मेहनत कर रहे तक बनाया है वो आप जस्ट बाय चंद मिनटों में भी नुकसान कर बैठ सकते। एक वचन भी है क्या, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। वैष्णव के हृदय में भगवान रहते हैं गोविंद, और भगवान कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण। एक और आता है इसी बैंगलाइन, हरि नाम अपराधे सारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित प्राण। क्या मतलब है? यदि हम हरि नाम के प्रति अपराध करते हैं तो हरि नाम से ही हम से पार पा सकते हैं, लेकिन यदि हम वैष्णव के प्रति अपराध कर सकते करते हैं उसको कोई इलाज। तुम अपराध तुम स्थान अपराध है ना ही परित्राण। इसका प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एनालॉजी लिखते हैं, क्योंकि वैष्णव जो हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, है ना। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं कि जब आप धूप में होते हैं तो आपके सिर पे अगर धूप लग रही है ना, गर्म लग रहा, तो एक बार स्टिल टॉलरेट किया जा सकता है एज कम्पेयर टू अगर आपके पैर में वो तप रहा हो पैर, राइट? आप तुरंत भाग। वैसे ही वैष्णव हमेशा भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान किसी भी तरह का अपराध नहीं सहन करेंगे, भले ही वैष्णव माफ कर दे। आपने यदि सुना होगा अम्बरीश महाराज के पास टाइम, अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि आए थे और फाइनल दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। ऑल्दो अम्बरीश महाराज ने उसे ऐसा अपराध किया नहीं, राइट? बट स्टिल अपराध उन्होंने किया था और फाइनली उनको पूरा चक्कर लगाना पड़ा। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, इवन विष्णु जी के भी पास गए, राइट? फाइनली बाद में घूम फिर के आना पड़ा अम्बरीश महाराज की शरण। ऑल्दो अम्बरीश महाराज ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं किया। दैट इज अ भक्त, दैट इज अ डिवोटी, जो कि हमेशा दूसरों में अच्छा देखे, है ना। शिव जी को भी यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि शिव जी ऑल ऑस्पिशियस, हमेशा हर किसी के अंदर पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, उसे बहुत प्योरीफाई करते बताते हैं। तो ऐसा है वैष्णव अपराध। और ये कब होता है? जब हम थोड़े से लीनियंट होते हैं डीलिंग्स में, है ना। ये सडनली नहीं होते, ग्रेजुअली ग्रेजुअली होते हैं, है ना। जब आप बहुत ही लीनियंटली किसी से डील करते हैं, इवन हम सब डिवोटी सर्कल में आए हैं स्पेशली, वी शुड ऑलवेज कंसिडर। डिवोटी एसोसिएशन का मतलब है जहाँ पे हम बैठ के कृष्ण कथा करते हैं, गुरुजी आपने क्या पढ़ा, माता जी आपने क्या पढ़ा, कुछ डिस्कस कर। समटाइम्स थोड़ा बहुत चलेगा, बट जल्दी होता है क्या कि डिवोटी एसोसिएशन के नाम पे हम आके यहाँ वहाँ की बातें, और फिर उसमें हम बहुत कैजुअल डीलिंग स्टार्ट करते हैं। किसी को मतलब क्षति पहुंचाने को देर से कुछ कहा नहीं, लेकिन कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाते कैजुअली कि सामने वाले में भी दुख हो सकता है, दुख पहुंच सकता है, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ये सारी चीजें हम ना करें, बचें। और इसका सबसे सिंपल तरीका है, अच्छा तरीका है, जब हम कभी साथ में तो कंसिडर करके इज अ वैष्णव एंड माई ड्यूटी इज टू सर्व हिम, राइट? एंड हमें साथ में से चर्चा करें, जो भी आपने पढ़ा, जो आप अपने रियलाइजेशन से, कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो आपको भगवान के प्रति आपका फेथ बढ़ा, ये सारी चीज। और स्पेशली अगर हम अपने डेली के रूटीन में बहुत निष्ठ रहेंगे तो
माला के बहुत ही अच्छे से पुस्तकों का अध्ययन स्क्रूटिनाइजिंगली, तो बहुत कम चांसेस है कि हम उस तरफ जाएंगे, क्योंकि यू ऑलवेज इन अ सीरियस मूड, राइट? गंभीर रहेंगे आप, कैजुअल नहीं रहेंगे। गंभीर कैजुअलिटी कब आती है? जब हमारे यहाँ से धीरे धीरे कनेक्शन वीक होता है, तब कैजुअलिटी आती है अपनेशत। तो एक गंभीर जब आप रहते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होती, इसीलिए शुड बी ऑलवेज केयरफुल। और ऐसे भी नहीं कि हमें इन सब चीज को लेकर एकदम डर सा जाना है, डरने की बात नहीं है, होता है भी, शुड बी वेरी तो ध्यान रखना चाहिए। और हमें अपना जो भी हमारा नित्य कर्म है, ड्यूटी है, अपना मॉर्निंग चैंटिंग करना, रीडिंग करना, कथा सुनना, ड्यूटी साथ मिले तो जो भी कृष्ण कथा या उनसे संबंधित चीज़ों पर चर्चा कर, ये सब करके प्रयास करते रहें, तो वेरी नेचुरली कि आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, राइट? ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि एक वैष्णव अपराध कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है, राइट? एक और पास टाइम आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट वहाँ पे भी ऐसा आता है कि गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था किसी ऋषि ने, नाम भूल रहा हूँ मैं, एंड फाइनली तपस्या करते हुए तो फॉल डाउन हो जाता है और फिर वापस संसार वाले जीवन में जाते हैं, और फाइनली पश्चाताप होता है, कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि मेरे से अपराध हुआ था, इस वजह से आज मेरी ये गति, ये दशा। तो बहुत से इंसिडेंट भी हैं, बट इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें, बहुत सरल शब्दों में से जाने समझे, बी सीरियस स्पेशली व्हेन वी डील विद द डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो गंभीरता का भाव है वो बना रहता है जब हम अपने साधना भक्ति के प्रति सचेत रहते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से हम क्वालिटी टाइम दे के उसे हम अभ्यास करते हैं, राइट? और कंसिडर करते हैं कि जो यहाँ पे भक्त हैं ये भी कहीं निकाह में, नहीं पता किसी का क्या है भक्ति का लेवल, जन्म में कितना किया, वी डोंट नो, ओनली भगवान को पता है, भगवान कृष्ण को पता है। और सीधी बात है, हम तो अगर भक्ति कर रहे तो हमने पहले भी कुछ किया, इस वजह से हम यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो श्योर हमारा पहले भक्ति कुछ कोटा है, जिस वजह से हम यहाँ पे साथ में आके भक्ति कर रहे हैं, राइट? और इसलिए हमें बड़े ही रिस्पेक्टफुल मोड में डिवोटी से डीलिंग करनी है। अगर हम गंभीर रहते हैं, गंभीरता का भाव बना रहता है जब हम अपने साधना भक्ति के प्रति गंभीर रहते हैं, वैसे करते हम ये वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो शिव जी का बताया गया कि शिव जी में किसी का कोई दोष ही नहीं, एक ऐसा स्पॉट भी नहीं जहाँ पे हम कुछ कह सकते, इज ऑल ऑस्पिशियस, ऑल ऑस्पिशियस शिव, और वेरी मर्सीफुल टू द ऑल लिविंग बींग, है तो शिव जी का जो प्रीचिंग स्पेक्ट्रम है, पूरा बहुत बड़ा है प्रीचिंग स्पेक्ट्रम। वैसे करके हमें प्रयास करना चाहिए और कोशिश करें कि हम अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम इससे बच पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?